आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। तो क्वेश्चन में कह रखा है कि एक पेंडुलम है जो कि डिस्प्लेस कर रहा है टू एन एंगल थीटा फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, देन इट विल पास थ्रू इट्स मीन पोजीशन विद अ वेलोसिटी इक्वल्स टू, जब अपनी मीन पोजीशन को पास करेगा तो हमें उसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो मानते हैं कि ये कोई पेंडुलम है जो कि ऑसिलेट कर रहा है विद एन एंगल थीटा, इसने डिफ्लेक्ट किया। तो मानते हैं कि कुछ पॉइंट पी पे इसकी मीन पोजीशन आ रही है, जहाँ पे इसकी मीन पोजीशन है। तो ये पॉइंट सी मानते हैं और इसको पॉइंट ए मानते हैं। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस मान लेते हैं h, और ये कुछ सर्कल जो बना रहा है वो है r, और ये टोटल इसकी लेंथ दे रखी है वो है l। तो जो h की वैल्यू निकल जाएगी वो क्या होगी, ए बी, बी ये है ए बी माइनस ए सी, वो कितना निकल गया, ए बी की वैल्यू l, ए सी की वैल्यू l cos थीटा। तो जो h की वैल्यू निकल गई वो निकल गई l 1 माइनस cos थीटा। तो अब हम क्या करते हैं कि जब पॉइंट P पे क्या होगा कि जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पोजीशन है पॉइंट P, तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। पॉइंट B क्या है, मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन है, तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। सो हम प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट P वो इक्वल है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी। तो पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट पी पे mgh होगी और काइनेटिक एनर्जी पॉइंट बी पे हाफ एम वी स्क्वायर होगी। तो यहाँ से वेलोसिटी निकल गई कितनी, रूट टू जी एच, एच की वैल्यू हमें पता ही है, तो वेलोसिटी यहाँ से आ जाएगी रूट टू जी एल वन माइनस कॉस थीटा। ये हमारा आंसर हो गया। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।